इसका मतलब ये है कि कातिल को पहले ही पता चल चुका था कि हम यहाँ आने वाले। एक काम करो शंकर, पूरे रूम की तहकीकात करो, हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर बस की टिकट। सर शंकर ये पता करो बस कहां से कहां जाती है और टिकट कहां लिया गया। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद बस डिपो से पता चला कि हरीश के घर से जो टिकट मिला था वो गोरखपुर से बाराबंकी तक ही था। फिर इंस्पेक्टर ने गोरखपुर के कर्मचारियों को थाने बुलाया। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम तुमको एक फोटो दिखा रहे हैं इसको देखे होगा? हाँ साहेब, यहीं से डब्बों में बैठा था साहेब। बहुत अजीब आदमी था साहेब, इतना बड़ा बोलिया तो साहेब, दो जन मिल करके बसवा के छत्ता में चढ़ाई रहे। ये आदमी था मतलब दूसरा कौन था? वो आदमी का दाढ़ी बढ़ा हुआ था साहेब, अमोज भी बढ़ा हुआ था और लगता था साहेब कि बहुत दिन से दाढ़ी मोछ नहीं बनाया। सर अभी अभी रेडियो पे खबर आई है। कैसी खबर? कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम से लाश मिली है। साहब ये गोदाम में खाली पैकिंग का सामान पड़ा रहता है। आज हम सुबह जब यहाँ आए तो देखे इस बॉक्स के पीछे ये लाश पड़ी हुई है, फिर हमारे डर के फटाफट आपको फोन लगा दी। ठीक है तुम बाहर जाओ, हम तहकीकात करते हैं। वैसे एक मिनट, ये पूरा गोदाम के मालिक कौन है? जी सुशांत सिंह। सुशांत सिंह, अच्छा ये वक्त कहाँ मिलेंगे वो? ये वक्त तो गुरु महाराज के पास गए पूजा करने। अच्छा तुमका नंबर है का? जी लेकिन उनका फोन वहाँ लगता नहीं है। अच्छा एक काम करो, जब भी वो आएंगे तो बोलना कि पुलिस स्टेशन आके हमसे मिल ले। ठीक ना, आप जाइए हम थोड़ा तहकीकात करते। इंस्पेक्टर मुझे लगता है किसी ने जबरदस्ती इसके मुंह में तेजाब डाल दिया जिसकी वजह से इसकी जुबान, इसका गला, इसकी अंतड़ियां जल गई और मौत हो गई। डॉक्टर साहब कोई इतना हैवानियत से कैसे किसको मार सकता है? वैसे ताज्जुब की बात यह है कि जो ब्लड उस दिन आपको गंजी सुल्तान के आसपास दिखा था एक्चुअली वो इसका था। इसका मतलब ये है कि खूनी जो है गोरखपुर में ही इसको तेजाब पिला के मार के और इसके लाश को बोरा में ठूस के बाराबंकी ले गया था, वो भी बस से। अब ये तो आप पता लगाइए कि इसे किसने मारा और क्यों मारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अब ये पता लगाते हैं। शंकर एक काम करो, वो गोदाम में जो लाश मिला था ना वो जल्दी से जल्दी उसका शिनाख्त करके हमको थोड़ा बताओ तो, क्या रिपोर्ट है उसका? हाँ ठीक। शंकर सर लाश का कुछ पता चला क्या? यस सर, उसका नाम कमल कुमार है सर और कुछ टाइम पहले उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई थी हैदरगंज थाने में सर। शंकर ये मामला जो है बड़ा हमको लगता हुआ नजर आ रहा है, लगता है कातिल ने गोरखपुर में उसको तेजाब पिलाकर मारा होगा और उसके बाद सरकारी बस से उसको बाराबंकी लाया गया होगा। कि कातिल चाहता का ही बार बार जो हमको घुमा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो कमल का मोबाइल ट्रेस करो और पता करो कि अंतिम समय में कौन कौन शहर में उसका मोबाइल चालू रहा था, समझे ना? ठीक है, हम कमल के घर से कुछ तहकीकात करके आते हैं। ठीक है ठीक। वो पता किया क्या कि शादी में कोई ऐसा आदमी जो